समय आ गया एक और फास्ट सिंगर फर्स्ट का। हमारे जितने बाकी कंटेस्टेंट्स हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ओके, फास्ट सिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन स्थानों को उस क्रम में लगाएं जिस क्रम में गंगा नदी उन तक पहुंचती है। Arrange these places in the order the river Ganga reaches them. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए पटना, बी बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल, सी प्रयागराज, डी हरिद्वार। ये है पटना, बे ऑफ बंगाल, प्रयागराज, हरिद्वार। समय समाप्त हो गया, आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जहां गंगा बहती है और आती है हरिद्वार में, डी हरिद्वार, फिर उसके बाद जाती है सी प्रयागराज, फिर आता है ए पटना और अंत में बी बंगाल की खाड़ी में जाकर फिर उसका अंत होता है। यह है सही क्रम, हरिद्वार, प्रयागराज, पटना, बंगाल की खाड़ी, डी सी ए बी। डी सी ए बी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है देखें। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय दिनेश कुमार। ले फिर आ गए सब राजी खुशी। तेरे को कहां लगता था नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे तक छोड़ेंगे नहीं। आइए बिराजी, फिर ऐसे ही इनकी अभी जो व्यवहार था आते ही वो देखने के बाद ऐसे ही पूछ रहा आपसे, घर में भी ऐसे ऐसे कुर्सी उर्सी मार देते हैं क्या? ऐसे ही करते हैं सरनी जी। ऐसे ही करते हैं। बधाई हो आपको, धन्य है आप। और दिनेश बाबू क्या करते हैं आजकल आप? सर मैं आजकल एक टेलीकॉम कंपनी है अलीगढ़ में, अच्छा, उसी में जेई के पद पे कार्य करता हूँ। और पिछले 13 सालों से तो मैं सर वही कर रहा हूँ कि केबीसी को प्रेम कर रहा हूँ और सर आपके ऊपर कविताएं लिख रहा हूँ। जी जी, आप आए थे तो आप यही कह रहे थे। मैं उसके बारे में यही बताऊंगा सर। नाम मेरा है दिनेश कुमार, अलीगढ़ से हूँ मैं आया। घर वालों ने गुड्डा कहकर तो दोस्तों ने शाकाल बुलाया। वर्षों के तप का परिणाम मिला है मुझे आज, इस एकलव को मिला है मेरे अपने गुरु द्रोड़ का साथ। हो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज दिनेश कुमार जी, चलिए अब आपका ध्यान जो है हम इस खेल की ओर आकर्षित करते हैं। तो आपको पता है इस खेल की, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। तीन आपकी लाइफलाइन रखी हुई हैं, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल टिप। ऑलराइट, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? देवी और सज्जनों, दिनेश कुमार जी पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न, 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से क्या करते हुए लोग खर्राटे लेते हैं? While doing which of these do people usually snore? A. Sleep, B. Bath, C. Eat, D. Talk. Neend, snan, khana, bath. Please lock A, sir. A पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए, नींद ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। नींद में जो है खुर्राटे मारते हैं लोग। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न में। 2000 रुपए इसका मूल्य। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने दिनेश जी। शिकंजी बनाने में मुख्यतः इनमें से क्या चाहिए होता है? Which of these is mainly used in the preparation of shikanji? A. Apple, B. Lemon, C. Watermelon, D. Mango. सेब, नींबू, तरबूज या आम? प्लीज लॉक B, नींबू। B पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया, 2000 रुपए हो गए। नींबू की शिकंजी बनती है। ओके, ऐसे ही मान्यवर प्रश्न पूछ रहे हैं, किस चीज़ से आप प्रोत्साहित होते हैं? कई आपने कहा कि भाई कई वजह है और आप प्रोत्साहित हो रहे हैं कि यहाँ आने के लिए,
यहाँ केबीसी में प्रोत्साहित पिछले 13 सालों से केबीसी से आपसे इन सबसे मेरा बहुत प्रेम है। मैं 13 साल पहले आया था वहां, वो आपके पीछे वाली सीट पर बैठ के अच्छा। आपसे बिना मुलाकात किए लौट गया था, यहाँ नहीं मुलाकात थी मेरी। तब से मैंने ये सपना देखा था कि मुझे जाना है, सामने बैठना है। लेकिन इस दौर में कुछ मुद्दे ऐसे जुड़े तो उन मुद्दों को मुझे सब ताला लगा के ही बंद करना पड़ेगा। ओहो, कहाँ कहाँ ताला लगाया है आपने? बताता हूँ सर, मैं लाए हैं क्या साथ में? ये ताला सर, इस ताले को लगाऊंगा मैं उन लोगों के लिए जो कहते थे कि 2011 में तुक्के से चला गया था, अगर इसमें दम होता तो दोबारा चला जाता। ओहो, ताना मारा था उन्होंने आपको? बहुत लोग कह चुके हैं। समझ गया था। उनको नहीं पता केबीसी में कैसे आ जाता है। तो ये ताला मैंने उनके मुंह पे आज लगा था। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं तुक्के से नहीं आया था, तब भी मेहनत से आया था, आज भी मेहनत से आया। और एक ताला और है सर, उनके सर लगाने दीजिए। मैं समझ गया, मैं समझ गया। सबसे ज्यादा ताना इन्होंने दिया है। ना, कोई बात नहीं, उसका कारण है जब मैं आया था ना सर पहले, हाँ जी, वहां पीछे बैठा था, पहला ही सवाल आपने पूछा था कि इस मुहावरे को क्रम से लगाइए। और मुहावरा क्या था? खोदा पार निकली चुहिया। क्या मैं ये नहीं लगा पाता? मैंने लगा दिया था, बहुत तेज लगा दिया था, और लॉक करना भूल गया। तब से ये कभी कोई मेरे बीच में कोई बात हो जाती ना घर में कभी, तो ये खोदा पार निकली चुहिया। तो ये कल अब लो कुमार जी। और सर एक और है। अरे एक और है? और कितना रखे हैं आप सर? 4 दिन बाद, 4 या 3 दिन बाद आपका सर जन्मदिन है, उसके लिए पहले तो बधाई। अरे अरे बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ये हिंदुस्तान को आपकी लत लगी हुई है, बहुत बुरी आदत। मुझे तो लगी है, लेकिन यहाँ जितने भी बैठे आप लोगों को लगी है कि नहीं लत? मुझे भी लगी है। तो ये केबीसी आपकी फिल्मों के अभी गिनतियों को सर और बढ़ना है, इसके सीजन के बहुत बढ़ना है, तो मैं आज आपकी उम्र पे ताला लगाना चाहता हूँ सर। बस आप यहीं रुक जाए, थम जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनेश जी। हमारे जीवन में पहली बार इस तरह से ताले लगाए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दिनेश जी, तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने, वो है 3,000 रुपए का, और वो ये रहा आपके सामने। अली बाबा और 40 चोरों की कहानी में अली बाबा को 40 चोरों की गुफा में क्या मिलता है? इन द स्टोरी ऑफ अली बाबा एंड द 40 थीव्स, व्हाट डज अली बाबा डिस्कवर इन द केव ऑफ द 40 थीव्स? विकल्प देखिए, ए फ्लाइंग कार्पेट, बी जीनी इन अ बॉटल, सी ट्रेचर हॉर्ड, या डी वॉन्ड ऑफ डिसअपीयरेंस। उड़ता हुआ कालीन, बोतल में जिन, खजाना या गायब होने की छड़ी। लॉक सी, खजाना। खजाना पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए, सी बिल्कुल सही जवाब। वाह, कहानी तो सब बहुत ही प्रचलित कहानी है जी, आपको पता ही होगा। एक गरीब लक्कड़हारे की है जो चोरों के खजाने को खोज लेता है और खुल जा सिम सिम बोलता खुल जा सिम सिम, तो जादुई शब्दों से वो गुफा का प्रवेश करता है और अपनी बुद्धिमानी से चोरों को पराजित कर देता है। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। किसी मेले में मौत का कुआं के अंदर क्या होता है? What activity takes place inside the मौत का कुआं, a carnival sideshow? A cooking food, B swimming, C climbing ropes, या D driving vehicles। खाना पकाना, तैराकी, रस्सी चढ़ाई, या वाहन चलाना। Please lock D, वाहन चलाना। D वाहन चलाना पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए, बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे ही मानवारी प्रश्न पूछ रहे हैं जी सर। आपकी पत्नी जी जो है वो बहुत ही शांत स्वभाव की लग रही है जी, हैं और उतना ही उसके विपरीत आप हैं।
तो मिले कैसे आप लोग तो? तब ये खतरनाक थी। मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। ये मथुरा की रहने वाली है। मैं पढ़ने के लिए मथुरा गया हुआ था। उनको बोला कि इनके फादर आपके पास आप जाइए, वो आपको कहीं रूम दिलवा देंगे। रूम दिलवा देंगे। हाँ, हम एक दिन गए इनके यहाँ पर, तो वो तो मिले नहीं इनके फादर, यही मिली। मैंने पूछा कि पापा हैं? बोले कि क्यों, क्या काम है? तो मिलना था उनसे, कहीं कोई काम था, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद कर दिया? हाँ, कि वो जब आए तब मिलना, यहाँ कोई अभी नहीं है। क्योंकि वो बहुत सोशल हैं, उनके दिन भर 10-20-30 लोग आते जाते रहते हैं, तो इनको चाय बनानी पड़ती होगी ना। तो सोचा कि एक चाय और बनानी पड़ेगी। बस एक चाय के लिए इन्होंने मेरे मुंह पे दरवाजा मारा। मैं गुस्से में लौट आया। उसके बाद फिर हालांकि इनके पिताजी आए, फिर उन्होंने कमरा भी दिलवाया, फिर इनके यहाँ आना जाना भी हुआ, लेकिन दरवाजा जिस दिन इन्होंने लगाया था मेरे मुंह पे, तो दरवाजा लगाना बुरा लगा, लेकिन ये अच्छी लगी थी। वही ताला लगा दिया आपने भाई साहब दरवाजा बंद होने के बाद? क्या बात है, बहुत सुंदर कहानी है आपकी। और मानिवर, आ गया है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न आ रहा है आपके सामने 10,000 रुपयों के लिए। इसको पार कर जाइए, फिर आएगा आपके सामने सुपर सवाल। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म शराबी के गाने इंतहा हो गई की शुरुआती पंक्तियों में मुख्य अभिनेता कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? What instrument does the lead actor play at the beginning of the song Intaha Ho Gayi from the movie Sharabi? Option dekhiye: A. Drums, B. Keyboard, C. Guitar, ya D. Piano. Drum, keyboard, guitar, piano. Please lock C. Guitar. C. Guitar ko keh rahe hain, taala laga dein. Bilkul sahi jawab ho gaya aapke bhai sahab. हो गया, पहला पड़ाव पार हो गया है। ये गाना जो था इसे आशा भोसले जी और किशोर कुमार जी ने गाया था जी। गीतकार अनजान अनजान और संगीतकार बप्पी लाहिड़ी, निर्देशन किया था इसका प्रकाश मेहरा, प्रकाश मेहरा जी। शराबी फिल्म बेहतरीन फिल्म है सर। हाँ, इसमें बताएं आपको भाई साहब, हम जी ये देश विदेश जाते थे अपना स्टेज शो करने जी, तो हमारे अमेरिका में हुए शो, उसके बाद ट्रिनिडैड टोबैगो में, वेस्ट इंडीज में जी, वहाँ शो था। हमारे साथ प्रकाश मेहरा जी भी थे। अच्छा, उस दौरे में जी जी। तो न्यूयॉर्क से जो फ्लाइट जा रही थी, उसी दौरान इन्होंने पहली बार शराबी के बारे में बात की। ये कहानी हवा में बनी थी भाई साहब वहाँ, क्योंकि हीरो भी हवा में उड़ता है ना। फिर वापस आए, फिर कहानी लिखी गई, सब होने लगा। लेकिन सर जब शूटिंग शुरू हुई ना, तो दो दो चार चार पन्नों का डायलॉग मिलता था। तो हमने कहा, देखिए भाई साहब, पूरी पिक्चर में आपने हमको एक शराबी बनाया हुआ है, और जो शराबी होता है सर, थोड़ा उसको वक्त लगता है बोलने में। तो हमने कहा, यार ये शराबी है, वक्त लगेगा बोलने में। कि चार पन्ने का जो डायलॉग दे दिया है, बोलते बोलते 8-8 घंटे बच जाएंगे, पिक्चर ख़त्म हो जाएगी एक ही डायलॉग बोलते बोलते। इसको छोटा कीजिए आप, उसके बाद जितने भी डायलॉग बोलने थे वो थोड़े से कम किए गए। लेकिन उनके लेखन बहुत अच्छा होता था, उनकी भाषा अच्छी। और सुपर सवाल के बारे में तो आप जानते हैं, ये देखिए सुपर सवाल आ गया है, तैयार हो जाइए कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल पेश किया जाए। नेवी डॉग किस देश की राजधानी है जिसके साथ भारत की भूमि सीमा है? नेपीडो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री दैट इंडिया शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विथ? समय समय आपके पास कोई विकल्प नहीं मिलेंगे, सोच लीजिए। चाइना, बांग्लादेश, नेपीडो।
नाम से क्या लगता है आपको, कहां का हो सकता है? किस देश की राजधानी है जिसके साथ भारत की भूमि सीमा है? भारत की भूमि सीमा है पोर्ट बिलर के पास, कौन सा लगता है? लक्षद्वीप के पास कोई नहीं लगता है। म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार बोल रहे हैं। ओके, म्यांमार ताला लगाया जाए। सही हो गया भाई साहब, बिल्कुल सही उत्तर दिया। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। नेपी डॉ जो है वो म्यांमार यानी जो पहले बर्मा होता था उसकी राजधानी है। और माननीय सही उत्तर दे दिया आपने, और आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। बहुत बहुत बधाई आपको। ये है संकेत देश के सवाल का, तो आइए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। नमस्कार अमिताभ सर, मैं पलाश नांगलिया नागपुर महाराष्ट्र से। आज का सवाल है, ढोलकपुर से किस काल्पनिक चरित्र का नाम इस 2024 लाइव एक्शन फिल्म का शीर्षक पूरा करता है? डैश डैश एंड द कर्स ऑफ दमयान। ऑप्शन ए इंस्पेक्टर स्टील, ऑप्शन बी मिन्नल मुरली, ऑप्शन सी जूनियर जी एंड ऑप्शन डी छोटा भीम। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। कंप्यूटर महाशय बताइए कौन जीता? 14 नंबर, नंबर 14 आप हैं, बताइए। बहुत बहुत बधाई आपको देवी जी। आपका शुभ नाम? माय नेम इज तनिष्का कलगुटकर। बहुत बहुत बधाई आपको। सही उत्तर पहले बताइए। भीम। भीम बिल्कुल सही जवाब निकला है। आपको एक छोटा सा भेंट मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। और दिनेश जी तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। ये रहा शिरोमणि अकाली दल के सदस्य किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? मेंबर्स ऑफ द शिरोमणि अकाली दल हैव सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर्स इन विच स्टेट? ए तमिलनाडु, बी पंजाब, सी उड़ीसा, डी असम। प्लीज लॉक बी पंजाब। बी पंजाब पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। जी हाँ सही उत्तर है। चलते हैं सातवां प्रश्न। रुग्नाश सक्रिय हो सकता है किसी भी प्रश्न पे। 40,000 रुपए सातवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ के नियमों के अनुसार बिना किसी निलंबन के चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड दिखाया जाता है? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन, अ कार्ड ऑफ व्हाट कलर इज शोन टू इंडिकेट अ वार्निंग Without any suspension. Options आ गए, A green, B yellow, C white, D red. हरा, पीला, सफेद या लाल? श्योर नहीं। कबड्डी देखा होगा आपने? श्योर नहीं। सर मैं इसमें ऑडियंस फोर लाइफलाइन लेना चाहता हूँ। ऑडियंस फोर लेना चाहते हैं, शांत हो जाइए। टिक टिकी जी, ऑडियंस फोर लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए।
और आपका समय शुरू होता है अब। हरा 90% मिला है इसको, बताइए ऑडियंस के जाएंगे। ए ग्रीन पे कह रहे हैं ताल लगा दिया जाए, ऑडियंस बिल्कुल सही जवाब दिया, वाह क्या बात है, वेल प्लेड। ये जो ग्रीन कार्ड है ये चेतावनी कार्ड होता है ऐसे, और यदि ग्रीन कार्ड दिखाया जाता है तो अगला कार्ड जो है वो पीला होता है। जब आपने अपना परिचय दिया था तो आप कह रहे थे कि आपको लोग गुड्डा और शकाल बोलते हैं। हाँ, उसके पीछे क्या कहानी है? मैं घर में सबसे बड़ा था, बच्चों में सबसे बड़ा बच्चा था मैं घर का, छोटे से ही तो मैं थोड़ा सा मोटा ताजी था, तो मुझे खिलाते थे, खिलाते खिलाते मेरे से गुड्डा बोलने लगे थे, जैसे गुड्डा से खेला जाता है खिलौना होता है जो, तो गुड्डा तो ऐसे पड़ गया मेरा नाम, और शाकाल मेरा पड़ गया ये 13 सालों में एक ही के चक्कर में बाल जाते गए जी जी, और दोस्त मुझे शाकाल बोलते गए। आप प्रसन्न है इससे या नहीं? इससे नहीं नहीं, ये जो गुड्डा और शकाल। हाँ अच्छा लगता है मुझे, मान लिया है आप। हाँ वो बोलते हैं, मैं भी बोल देता हूँ शकाल की आवाज में कभी कभी उनको। हमारे साथ बदतमीजी नहीं चलेगी। क्या बात है, वाह, फिर कलाकार हैं आप एकदम। ऑलराइट मानिवर, खेल की ओर ध्यान दीजिए, 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने और दुगनास्त अभी भी चल रहा है, 80,000 रुपए 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। झांसी महोबा और चित्रकूट उत्तर प्रदेश सरकार के किस पर्यटन सर्किट का हिस्सा है? एज पर द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, झांसी महोबा एंड चित्रकूट अ पार्ट ऑफ विच टूरिज्म सर्किट? ए गाजियाबाद सर्किट, बी पूर्वांचल सर्किट, सी बुंदेलखंड सर्किट या डी अवध सर्किट? प्लीज लॉक सी, बुंदेलखंड सर्किट। सी पे कहना था लगाने के लिए, बुंदेलखंड सर्किट, बिल्कुल सही जवाब दिया। बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग और मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग ये शामिल है। बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया है। आ गया है 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए, तैयार हो जाइए दिनेश जी। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके सामने, ये रहा। पानी, मीथेन, नमक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से कितनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं? आउट ऑफ वाटर, मीथेन, टेबल सॉल्ट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाउ मेनी कंटेन बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी ओनली थ्री, डी ऑल फोर? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी चार? केवल एक, केवल एक जी। ए पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए, नहीं सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया, पानी H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होते हैं, सॉल्ट NaCl होता है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और मीथेन CH4 होता है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ओके, अगला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न और चेतावनी आती है कि इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलता है, और ये एक ही प्रश्न बचा है जहां आप दुगनास के बदर बट्टू को दाब सकते हैं। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से कौन अपनी कविताओं में स्वयं को जुलाहा और कोरी कहते हैं?
Who among these calls himself a chulaha and a kori in his poems? Daab diya. Wah, kya baat. Aapko mil gaya hai dugni rashi jeetne ka ek mauka. Prashn tha, inme se kaun apni kavitaon mein swayam ko chulaha aur kori kehte hain? Aur ab main options rakhta hu aapke samne. A. Goswami Tulsidas, B. Sant Kabir, C. Sant Eknath, D. Sant Tukaram. Please log B. Sant Kabir. B. Sant Kabir pe keh rahe taala lagane ke liye. Yes, it's the right answer. Wah, badhai ho. Julaha aur kori ka matlab hota hai bunkar, weaver hota hai, bunkar hota hai. Unka palan poshan एक ऐसे दंपत्ति ने किया जो कि बुनकर थे संत कबीर का. उनका एक दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए. वाह, बहुत सुंदर उत्तर दे दिया आपने मान्यवर. आपने बदर बट्टू भी दबा दिया था. जीत ले आपने 3,20,000 रुपए और जीत ले आपने 3,20,000 रुपए बोनस. बहुत बहुत बधाई इनको. तो सबसे पहले जो बोनस आपने जीता है, नाम आ गया आपका, अकाउंट नंबर आ गया, कंफर्म नाउ दबाया, 3,20,000 रुपये, 1,2,3,4 दाब दिया, ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक में 3,20,000. 3,20,000 ये बोनस आपका चला गया है और 3,20,000 रुपये जो आपने जीता है उसका चेक आ रहा है आपके नाम. 3,20,000 रुपए का चेक आ गया है दिनेश जी. बहुत बहुत बधाई आपको. ऑलराइट, ये जो आपने इतनी सारी धनराशि अचानक जीत ली है, क्या कीजिएगा इसका? इसमें सर ना, जो मैं सोच के आया था कि बोनस मुझे लेना है, हमारी कंपनी हमको 10 साल से बोनस ही नहीं दे रही तो यहां से मैंने बोनस ले लिया और इस बोनस से ना मेरी बेटी है 1-8 साल की. ओ, अच्छा, और अच्छा. मेरी इनको शिकायत रहती है मैं कभी कहीं किसी को घुमाने नहीं ले जाता, तो मैंने ये कहा था जब कभी कंपनी बोनस देगी तब घुमाऊंगा. कंपनी देती नहीं कभी होना ही नहीं था. अब ये बोनस मिल गया, अब ये मेरे पीछे पड़ेंगे, अब तो घुमाना पड़ेगा. तो मैंने इनको बोला था कि कुल्लू मनाली की ट्रिप कराऊंगा, 1,60 तक बोनस मिलता है, तो ये डबल मिल गया. अब मुझे लग रहा है मुझे लेह लद्दाख भी जाना पड़ेगा. और वो जो सब छोटी बेटी है ना, वो अभी 2 सितंबर को 8 साल की हुई है. उसी दिन चिल्ड्रन केबीसी का रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था. ओह, तो मैंने उसको गिफ्ट दिया था. क्या? कि मैं तुमको ना रजिस्ट्रेशन करके दे रहा हूँ केबीसी का. मैं तो था ही पागल जी जी केबीसी के लिए. वो भी पागल हो गई है. वाह, अभी रो रही थी कि मेरे को क्यों नहीं लेके जा रहे हो. मैंने कहा 18 साल से छोटे नहीं जाते. बोले भूतनाथ अंकल मिले तो कहना कि ऐसे नहीं आने देंगे तो मैं खुद आऊंगी खेलने. वाह, क्या बात है. बहुत बहुत बधाई आपको दिनेश जी. और जिस तरह से आपने अपनी बेटी को भी प्रोत्साहित किया है, हाँ? हमको लगता है वो भी यहाँ आ जाएंगे जब जूनियर केबीसी होगा. अच्छा, उनके हाथ में कोई ताला वाला मत भेजिएगा. नहीं, नहीं, अभी उसके हाथ में सिर्फ जीके की बुक. हाँ, बिल्कुल. अच्छा, ऑलराइट. दिनेश कुमार जी, यहाँ आएगा सुपर संदूक. बाजा वाजा नहीं बजेगा. सुपर संदूक में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जल्दी जल्दी. मान लीजिए 10 के 10 पूरे हो गए, 1,00,000 रुपए मिल गए, और अगर 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने तो घर पे हमारे भोजन. क्या हो जाएंगे? नहीं समझे मान्यवर, ये अगर 10 प्रश्नों का सही हो गया ना तो आपको हम अपने घर पे बुलाएंगे भोजन करने के लिए. अरे सर, पिछले साल शायद 5-6 ऐसे कंटेस्टेंट थे जिन्होंने पूरे 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिया. घर पे खाना खाया? बिल्कुल, बुलाया उनको हमने. बहुत अच्छा लगा सर. बनाया किसने सर? बनाया, घर पे ही बनता है खाना. या बाहर से आते? नहीं, बाहर से नहीं, घर पे ही था. घर पे पत्नी जी उसका मैनेजमेंट करती हैं जी. आज ये बनेगा, आज ये बनेगा. आप कुछ नहीं बताते कि मेरी ये चॉइस है?
उनको मालूम है हमारी आदत। अच्छा अच्छा, मान्यवर 50 साल हो गए, कभी सर बगैर, कभी बिना छाका आ गया तो खा लेते हैं आप? बिल्कुल, चुपचाप वो जरूर खाना चाहिए। देख रहे ऐसे ना, इच्छा का है तो भी खा लेना चाहिए। अब मुझे ऐसा ही खाना पड़ेगा। बस क्या बात है, देवी जी कुछ अच्छा खाना बना दीजिएगा। अच्छा ही बनाती हूँ खाना। कार्यक्रम सार्वजनिक है तो आप तो ऐसा ही बोलेंगे ना। और आज अंग्रेजी में पढ़े या हिंदी में? हिंदी। हिंदी में? उत्तर प्रदेश का हूँ सर, हिंदी। ओके ठीक है, तो चलिए लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए मान्यवर जी। दिनेश कुमार जी, सुपर संदूक का समय आपका शुरू होता है अब। इनमें से किस शब्द का मतलब तेज आवाज नहीं होता है? चिल्लाना, चीखना, गरजना, फुसफुसाना। फुसफुसाना, सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी संख्या 11 से बड़ी लेकिन 19 से छोटी है? 8, 10, 16। करेक्ट। नेक्स्ट, महाराजा संसार चंद्र संग्रहालय किस किले के पास स्थित है? चित्तौड़गढ़। कांगड़ा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, श्री भजन लाल शर्मा राजस्थान में इनमें से मुख्यमंत्री। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, शरीर के इनमें से किस अंग में लेंस होता? बिल्कुल सही। नेक्स्ट, 2024 में किलियन एम्बापे किस फुटबॉल क्लब में शामिल हुए? रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड, करेक्ट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किस व्यंजन के नाम में एक दूध वाला उत्पाद है? मलाई कोफ्ता, बिल्कुल सही। इनमें से कौन सी नदी केवल एक देश में बहती है? डेन्यूब, ब्रह्मपुत्र, यांग्सी, नील। नील, गलत। नेक्स्ट, रैटल स्नेक का रैटल कहाँ होता है? जीभ, पूंछ, सिर, आंख। पूंछ। पूंछ, करेक्ट। नेक्स्ट, 1946 का नौसेना विद्रोह किस शहर में शुरू हुआ था? मुंबई, कोलकाता, कोची, विशाखापट्टनम। नौसेना विद्रोह, कोची। गलत। नेक्स्ट, समय समाप्त हो गया। 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे गए, 80,000 रुपए जीत गए। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई। जहां जहां गलत हो गए तो बता दें। कौन सी नदी केवल एक देश में बहती है? वो है यांग्त्सी रिवर, चीन में। चीन में यांग्त्सी। और एक और जगह गलत हो गए थे आप, कि 1946 का नौसेना विद्रोह किस शहर में शुरू हुआ? मुंबई में हुआ था। ऑलराइट, 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने, 80,000 रुपए जीत गए। अब आप ये पैसे जो है अपने पास रखना चाहते हैं या इनसे आप अपनी कोई भी लाइफलाइन उसको जीवित करवाएंगे जी? ऑलराइट, तो कंप्यूटर महाशय, इनकी जो जीती हुई धनराशि है 80,000 रुपए, ये एवज में इसके ये अपनी एक लाइफलाइन जीवित करवाना चाह रहे हैं। कृपया करके इनकी ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है उसे फिर से जीवित कर। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण में भाइयों की कौन सी जोड़ी क्रमशः भगवान इंद्र और भगवान सूर्य के पुत्र थे? Which pair of brothers in the Valmiki Ramayana were the sons of Lord Indra and Lord Surya respectively? A. Jatayu Sampati. B. Ravan Kumbhakarna. C. Lakshman Shatrughan. D. Bali Sugreev. समय समय आपके पास। जटायु संपाति, रावण कुंभकर्ण, लक्ष्मण शत्रुघ्न, बाली सुग्रीव। खेलिएगा जरूर इस प्रश्न, क्योंकि ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। सर मैं वीडियो कॉल लाइफलाइन लूंगा इस पर। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये यहां पर है वो नाम। अमितेश पांडे हैं, विवेक सेंगर हैं और प्रियेंद्र सिंह। ओके, प्रियेंद्र सिंह जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये आपके मित्र हैं या? हाँ, मेरे साथ भी काम करते मित्र हैं। प्रियेंद्र सिंह जी, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, प्रणाम। आपके मित्र हमारे सामने बैठे हैं हॉट सीट पर, तो एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं वो आपसे।
तो अगली आवाज जो होगी वो उनकी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, फिर आपको चार विकल्प बताएंगे उस प्रश्न के, उनमें से किसी एक को आपको चुनना होगा। अगली आवाज दिनेश जी की। दिनेश जी, आपका समय शुरू होता है अब। प्रेम जी, रामायण के अनुसार भगवान इंद्र और भगवान सूर्य के पुत्र इनमें से कौन हैं? जटायु संपाति, बाली सुग्रीव, रावण कुंभकर्ण, लक्ष्मण शत्रुघ्न। एक बात दोहरा दीजिए प्रश्न को। भगवान इंद्र और भगवान सूर्य के पुत्र की जोड़ी कौन सी है इनमें से? एक पुत्र इंद्र का, एक सूर्य का। जटायु संपाति या बाली या सुग्रीव? बाली और सुग्रीव। पक्का? पक्का पक्का। हाँ लगा दी। ओके लगा दीजिए सर। डी, बाली सुग्रीव। जी, बाली सुग्रीव कह रहे हैं तो लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। वाह, बधाई हो आपको। वीरेन सिंह जी, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। ऑलराइट। महाभारत की तरह वाल्मीकि रामायण में भी भगवान इंद्र और भगवान सूर्य के पुत्रों के बीच लड़ाई होती है, और यहाँ बाली और जन्म भगवान इंद्र द्वारा अरुणी से हुआ था, और सुग्रीव का जन्म भगवान सूर्य से हुआ था। मुझे शक था, लेकिन बहुत था, रिस्क नहीं लेना। हाँ, मुझे दो लेकिन में था, शोर हो जाना चाहिए। सही किया आपने। ऑलराइट, तो आप जीत गए हैं 6,40,000 रुपए, 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस वास्तुकार ने गांधी जी की सरलता के सिद्धांतों को लागू करते हुए साबरमती आश्रम में गांधी स्मारक संग्रहालय डिजाइन किया? Which architect designed the Gandhi Smarak Sangrahalaya in Sabarmati Ashram, applying Gandhiji's principles of simplicity? Option dekhi. A. B.V. Doshi. B. Laurie Baker. C. Charles Currier. D. Nari Gandhi. गांधी। आप कभी गए हैं ये संग्रहालय? नहीं, मैं कहीं पढ़ा हो, सुना हो इसके बारे में? बीवी दोषी की तरफ मेरा जा रहा है कि ये वास्तुकार थे। ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑलराइट, ये एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं ऑडियंस पोल की, और इसे अंकित कर दिया जाए। अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए, और आपका समय शुरू होता है अब। सी, चार्ल्स कुरियर को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है। जनता समझदार है, 56% सही होगा। जनता के साथ जाएंगे जी। ऑलराइट, अधिकतर जनता जो कह रही है उसी के साथ जाना चाहते हैं। दिनेश जी कह रहे हैं सी, चार्ल्स कुरियर। ताला लगाया जाए। पहले आप बीवी दोषी कह रहे थे। मुझे लगा था, लेकिन जी मानिए, अगर आप बीवी दोषी कहते तो आप गलत होते। बिल्कुल सही जवाब दिया। चार्ल्स कुरियर ने 1958 से लेकर के 63 तक के बीच ईंट की दीवारों, लकड़ी के पैनल और पत्थर के फर्श जैसी साधारण सामग्रियों से संग्रहालय का डिजाइन तैयार किया था। वो इसके माध्यम से गांधी जी की सादगी को दर्शाना चाहते थे। चार्ल्स कुरियर बहुत ही विख्यात वास्तुकार जी। आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से खेलेंगे आप। 13वां प्रश्न आ रहा है, 25,00,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। तैयार हो जाइए दिनेश जी। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
सत्यजीत रे की पथेर पांचाली का विश्व प्रीमियर किस शहर में हुआ था? द वर्ल्ड प्रीमियर ऑफ सत्यजीत रेज पथेर पांचाली took place in which city? A. London. B. New York. C. Los Angeles. D. Venice. सर मुझे वेनिस लग रहा है, वेनिस फिल्म फेस्टिवल होता है, वेनिस वेनिस फिल्म फेस्टिवल वहां किया होगा, लेकिन मैं सर रिस्क नहीं लूंगा, मैं डबल डिप के साथ करता हूँ उसको। डबल डिप लाइफलाइन लेंगे जी? ऑलराइट, डबल डिप लाइफलाइन लेना चाहते हैं दिनेश जी, इसको अंकित कर दिया जाए। मैंने बार एक बार डबल डिप ले लिया तो आपको उत्तर देना पड़ेगा, क्विट नहीं कर सकते आप। दो अवसर मिलते हैं आपको उत्तर देने के जी। पहला उत्तर बताइए। डी वेनिस। डी वेनिस कह रहे हैं, ताल लगा जाए। नहीं मान्यवर, ये गलत हो गया। अब आपके पास है लंदन, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस। सही उत्तर देंगे 25 लाख, गलत आपको नीचे अब गिरा देंगे 3-20, क्योंकि आपने डबल डिप ले लिया इसलिए आपको खेलना पड़ेगा, ना लेते तो आप क्विट कर सकते थे, 12-50 आप जीत रहे। तो कोई रास्ता ही नहीं है, लेना तो पड़ेगा। बी न्यूयॉर्क। बी न्यूयॉर्क कह रहे हैं, सोचने के बाद इस पे ताला लगाया जाए। क्यों लगा कि न्यूयॉर्क होना चाहिए? न्यूयॉर्क में कुछ फिल्मों के हमारे यहाँ से हुए हैं सर, पहले प्रसिद्ध है इस काम के लिए। मान्यवर ऐसा है कि लॉस एंजलिस जो है वो हॉलीवुड की जगह मानी जाती है, और बहुत सारे प्रीमियर्स जो है वो लंदन में भी होते हैं। लॉस एंजलिस में जो, क्योंकि वो एक फिल्म शहर है हॉलीवुड का, वहीं से निर्णय होता है कि फिल्में वगैरह जो है दिखाई जाती है सबको। लॉस एंजलिस कहते तो मान्यवर गलत होते, न्यूयॉर्क सही जवाब। क्या बात है भाई साहब, वाह 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 वाह। 1955 में इसका प्रीमियर हुआ था न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। उस समय वहां टेक्सटाइल्स एंड ऑर्नामेंटल आर्ट्स ऑफ इंडिया एग्जीबिशन वहां चल रहा था, और वहीं पर इसका प्रीमियर हुआ था पथेर पांचाली। बहुत बहुत बधाई आपको दिनेश जी, आपके जितने लोग थे जो आपसे ताने मार रहे थे अब ईर्ष्या के पात्र बन गए हैं सबके सब। आएगा अब आपके सामने अगला प्रश्न जिसका मूल्य है 50 लाख रुपए। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई जी। कई लोग जो है लालच में आकर के आगे खेल जाते हैं, लेकिन यहाँ गेस्टवर्क चलता नहीं, सही उत्तर मालूम होना चाहिए। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश ने अपने पूरे इतिहास में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक 2024 पेरिस ओलंपिक में नहीं जीता? विच ऑफ दीज कंट्रीज डिड नॉट विन द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन देयर हिस्ट्री at the 2024 Paris Olympics? Options: A. Botswana. B. Guatemala. C.
डोमिनिका डी बुरुंडी। 50 लाख आपके जीवन में क्या मायने रखते हैं ये सोच लीजिए। कोई आपके पास लाइफलाइन नहीं है, कष्ट हो रहा हो तो हमारी तो यही राय होगी कि आप क्विट कर सकते हैं। ओलंपिक का इतिहास सर बहुत पुराना है और ये जितने भी इसमें देश दिए हैं ना, मैं नहीं कह सकता ये जितने भी देश, इसमें अधिकतर ये ऐसे देश हैं जिसमें कि धावक पाए जाते हैं, एथलीट। हो सकता है किसी एक में कोई ना रहा हो, कभी स्वर्ण जीता हो, दूसरे नंबर पर रहा हो, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा, मैं क्विट करूंगा सर। क्विट करेंगे ओके, अंतिम निर्णय आप? जी बिल्कुल। कबड्डी महाशय दिनेश कुमार जी ने निर्णय ले लिया कि वे क्विट करेंगे। 25 लाख रुपए जीतते हैं, थालियां बज जाएं के लिए। और ये 25 लाख रुपए ट्रांसफर कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 25 लाख बाद देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ओके किया, कंफर्म किया। मान्यवर ये 25 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में पहुंचे। बहुत बहुत बधाई, बिल्कुल जल्दी आसान और सही तरीके से। ऑलराइट, अब क्योंकि हमें इसका उत्तर बताना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। ग्वाटेमाला। बी ग्वाटेमाला पे ताल लगाया जाए। नहीं, ये गलत है। सही उत्तर है बुरुंडी। ये नाम भी नहीं सुना मैंने। बोत्सवाना, ग्वाटेमाला और डोमिनिका सभी ने 2024 में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता। अच्छा, इन तीनों ने पहला जीता। बुरुंडी ने पहली बार 1996 में एटलांटा में अपना पहला पदक जीता था। बुरुंडी इज द राइट आंसर। ऑलराइट।